मुंबई शहर एक ऐसा शहर जो रात हो या दिन हर वक्त जागता है, लेकिन इसी रात के अंधेरे से पैदा होता है एक ऐसा इंसान जो इंडिया पर राज करता है और ऐसा कहा जाता है कि जो आज पूरे इंडिया को चला रहा है। दाऊद इब्राहिम कासकर, गैंगस्टर और डॉन, जिनकी हाल ही में खबर आई है कि उन्हें जहर दे दिया गया है। मारा गया दाऊद पर खुलासा, पाकिस्तान में सन्नाटा। पर यह खबर कितनी सच्ची है, क्योंकि यह 10वीं बार है कि मीडिया ऐसी खबर को चला रही है। और अगर ऐसा है तो दाऊद इब्राहिम को क्यों टारगेट किया जा रहा है, उसकी कहानी क्या है और कैसे शुरू हुई मुंबई गैंगस्टर्स डायरी, आइए समझते हैं। साल 1950 में मुंबई सिर्फ 3 नामों से जानी जाती थी, अफगानी करीम लाला उर्फ पठान, तमिलनाडु का हाजी मस्तान और बर्द रंजन मुदलियार उर्फ बर्दा भाई। ये तीनों 1930 में मुंबई में आकर बसे थे। उन दिनों मुंबई के पोर्ट्स पर 400% इम्पोर्ट टैक्स लगता था, जो कि इनके लिए मौका साबित हुआ, क्योंकि कोई भी इतना इम्पोर्ट टैक्स नहीं देना चाहते थे। मुंबई में कूली से शुरुआत करने वाले मस्तान ने गैर कानूनी तरीके से इम्पोर्ट करना शुरू कर दिया, साथ ही कार्गो की चोरी और शहर में शराब पहुँचाना शुरू कर दिया। और पठान करीम लाला ने अपनी ताकत के दम पर और दूसरे पठानी पंटरों के दम पर वसूली, जुए के अड्डे शुरू कर दिए। सबसे बड़ी बात, ये तीनों गैंगस्टर आपस में मिलके काम करते थे और अपने इलाके में ही सीमित रहते थे। मुंबई में सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन इस समय रत्नागिरी का एक कोंकणी मुस्लिम बच्चा ये सब कुछ होते देख रहा था, जिसका नाम था दाऊद इब्राहिम कासकर। इसने मुंबई के डोंगरी इलाके में अपने बड़े भाई शाब्बीर कासकर और गांव के कुछ दोस्तों के साथ मिलकर अपनी एक छोटी सी गैंग बना दी, जिसका नाम रखा डी कंपनी। शुरुआत में ये सभी छोटी छोटी चोरियां करते थे, लेकिन दाऊद के मन में कुछ और ही सपने थे। इसके चलते दाऊद के गैंग के 2 लड़कों ने हाजी मस्तान के इलाके में अपने कुछ गैर कानूनी धंधे शुरू कर दिए, और ये बात हाजी मस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं आई। और मस्तान ने अपने पुराने दोस्त करीम लाला की गैंग के गुंडों से दाऊद के दोनों लड़कों को बुरी तरह से पिटवा दिया और धंधा बंद करवा दिया। यहीं से दाऊद के मन में दुश्मनी पनपने लगी। 1974 में दाऊद को कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली कि हाजी मस्तान के 4.5 लाख रुपए किसी को शक ना हो इसलिए टैक्सी से ले जाए जा रहे हैं। दाऊद ने अपने लोगों को इकट्ठा किया और सारा पैसा लूट लिया। वैसे दोस्तों, दाऊद अपने गैंग को डी कंपनी कहता था और ये आज ऑफिशियली रजिस्टर भी है, लेकिन असल में वो पैसा मस्तान का नहीं बल्कि बैंक का था। उस दौर में 1 लाख की भी बहुत वैल्यू थी, इसलिए बहुत बड़ी चोरी थी, जिसकी इन्वेस्टिगेशन दाऊद के पिता इब्राहिम कासकर कर रहे थे, जो कि मुंबई क्राइम ब्रांच में हेड कांस्टेबल थे। दाऊद की चोरी का पता लगते ही उन्होंने दाऊद की डी कंपनी गैंग के कुछ लड़कों को पकड़ लिया और दाऊद को पकड़कर जेल में बंद कर दिया। लेकिन पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों से उस दशक की सबसे बड़ी भूल हुई। दाऊद को एक शर्त पर छोड़ दिया गया कि वो पुलिस का खबरी बनके काम करेगा और पठान गैंग को खत्म करने में मदद करेगा, क्योंकि पुलिस ने यह नोटिस किया था कि दाऊद ने मस्तान की पैसे की चोरी उसे सबक सिखाने के लिए ही की थी, यानी वो अपने बदले के लिए बड़ा रिस्क उठा सकता था, तो बदले को पूरा करने के लिए खबरी का काम भी कर सकता था। पर कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। दाऊद ने अपने दोस्त क्राइम जर्नलिस्ट इकबाल नैतिक के साथ मिलकर पुलिस को पठान गैंग और बड़े गैंगस्टर्स की जानकारी देना शुरू कर दी। इसके बदले में पुलिस दाऊद के छोटे मोटे क्राइम पर पर्दा डाल देती थी, और कुछ सालों तक ऐसा ही चलता रहा। पर पुलिस को अभी भी भनक नहीं लगी थी कि वो एक सांप को दूध पिलाकर बड़ा कर रहे हैं। फिर 20 से 25 सालों में दाऊद के मुताबिक पठान गैंग के कई सारे लोग या तो मारे जा चुके थे या पकड़े जा चुके थे। हाजी मस्तान भी 18 महीने की सजा काट रहा था, और बाकी के 2 डॉन करीम लाला और पर्दा भाई भी अंडरग्राउंड हो चुके थे। उस दौरान इंदिरा गांधी ने भी पूरे देश में इमरजेंसी घोषित कर दी थी। इससे हुआ ये कि दाऊद का एक दुश्मन पठान गैंग बिना किसी लड़ाई के मैदान छोड़ चुका था। दाऊद ने मौका मिलते ही पठान और मस्तान के सभी गैर कानूनी धंधे अपने कब्जे में कर लिए और बड़े करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते डी कंपनी भी पठान गैंग की तरह ही ताकतवर हो गए। लेकिन मुंबई में अब वो होने वाला था जो कभी किसी ने नहीं सोचा था। इमरजेंसी खत्म होने के बाद मुंबई के पुराने एक्स डॉन की उम्र काफी हो चुकी थी, और अब नए खून में बदले की आग सुलगने लगी थी। करीम लाला के भतीजे समाद खान ने अपने गैंग के टॉप गैंगस्टर्स को इकट्ठा किया, जैसे सईद बाटला, अयूब लाला, अमीरजादा खान और आलमजेब खान के साथ मिलकर दाऊद के दोस्त इकबाल नैतिक को मार डाला था। साथ ही 1981 में एक नए गैंग मेंबर मनिया सुरबे से दाऊद के बड़े भाई सावीर कासकर को दिन दहाड़े पेट्रोल पंप पर मरवा डाला। लेकिन इसके बाद 1982 में मनिया सुरबे तो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन दाऊद इब्राहिम, जो पहले छोटे छोटे काम किया करता था, वो इसके बाद डॉन बनने की राह पर चलने लगा। दाऊद खून के बदले की आग में पूरी मुंबई से पुराने गैंग को साफ करने में लग गया। उसने सबसे पहले बर्दा भाई के लिए काम करने वाले राजन नायर और बड़ा राजन को उसके भाई के खूनी को खत्म करने का काम दे दिया, और बड़ा राजन ने अमीरजादा को मुंबई सेशन कोर्ट में खुलेआम गोलियों से भून दिया।
अब दोनों ही गैंग में आग बराबर की लग चुकी थी। वैसे तो बड़ा राजन मुंबई का नामचीन गैंगस्टर था, लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड को महंगे गिफ्ट देने के लिए ऐसे काम में आया था। तो अमीर ज़ादा के मर्डर के एक महीने के अंदर ही बड़े राजन को ठीक उसी तरह एक कोर्ट में मार दिया गया। लेकिन इस काम को लोकल गैंगस्टर अब्दुल कुंजू ने किया था, साथ ही बड़े राजन की गर्लफ्रेंड को भी हत्या लिया था। उन दिनों बड़े राजन का एक खास शागिर्द भी था, राजन निकलजे और छोटा राजन। अपने गुरु के खत्म हो जाने पर छोटा राजन पूरी तरीके से कुंजू का खून का प्यासा हो गया। एक दिन कुंजू अपने दोस्त के साथ मिलकर मैदान में क्रिकेट खेल रहा था, तब छोटे राजन ने मैदान के बीच में ही उसे तड़पा तड़पा कर मार डाला। अब बड़े राजन के बाद छोटा राजन ने उसकी जगह ले ली। दाऊद ने भी छोटे राजन के साथ अपने रिश्ते अच्छे कर लिए और समाद खान को खत्म करने के लिए राम भाई नायर और बाबू रेशम के साथ छोटा राजन को भी पीछे लगा दिया। इन तीनों ने समाद खान को फंसाने के लिए एक खूबसूरत लड़की के साथ मिलकर जाल बिछाया और 1994 में एक होटल में समाद खान को मार दिया। अब दाऊद के भाई के तीन खूनी खत्म हो चुके थे, अब बचे थे सईद बाटला, अयूब लाला और आलमजेब खान। इन्हें भी दाऊद खत्म करवाता। इससे पहले ही खबर आती है कि आलमजेब और सईद बाटला को पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया है और अयूब लाला मुंबई छोड़कर भाग गया। यानी अब दाऊद के सभी दुश्मन खत्म हो चुके थे, लेकिन अपने भाई का बदला अब भी दाऊद को परेशान कर रहा था। इसलिए उसने पठान गैंग के लीडर करीम लाला के भाई रहीम खान को छोटे राजन से खत्म करवा दिया। अब मुंबई में पठान गैंग का पूरी तरह से सफाया हो चुका था और बचे हुए दो एक्स डॉन्स की गैंग अंडरग्राउंड थी, लेकिन बदले की आग दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही थी। दूसरी तरफ दाऊद इब्राहिम अब पूरे मुंबई पर राज करने वाला था, पर मुंबई में कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरी मुंबई को बदल कर रख देगा। कहानी अभी भी बाकी है, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दाऊद के नेक्स्ट वीडियो में।